अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यार अंकल मम के पति है तो क्या वो हमारे पापा है? कौन है तुम्हारा पति? प्लीज बोलो रुचिता। आपका अपना घर तो बस चुका है, प्लीज मेरा घर भी बस जाने दीजिए। अब यही मेरा परिवार है, पिंकू और पिंकू के पापा ही मेरी दुनिया है। फिर से घर की चीजें तोड़ने लगी तुम? फिर से पिंकू की तस्वीर तोड़ दी? अरे क्यों पड़ी हुई हो तुम दोनों मेरे पिंकू के पीछे? और हर कमरे में ताका जाके क्यों करती रहती हो? आंटी जी, क्या मम्मी और निहार अंकल की शादी हुई है? बेटा, शादी हुई नहीं है, शादी हुई थी। तुम्हारे निहार अंकल तुम्हारी मम्मी के पति थे, फिर उन दोनों की दोस्ती टूट गई और शादी, और उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, फिर तुम दोनों हुए और अब तुम दोनों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा एक खुशहाल परिवार हो, ठीक वैसे ही जैसे पिंकू और तुम्हारे निहार अंकल एक खुशहाल परिवार है। वैसे बेटा, तुम दोनों को इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने शायद इसी वजह से तुम लोगों को नहीं बताया होगा, क्योंकि तुम लोगों के पापा को ये अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में जब आगे बढ़ जाते हैं ना हम, तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि तुम लोग एक क्लास पास करते हो, अगली क्लास में जाते हो, तो क्या पीछे वाली क्लास को मुड़कर देखते हो? क्या वहाँ नहीं बैठते ना पीछे वाली क्लास में? नहीं ना, ठीक वैसे। चलो अब तुम लोग जाओ, यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम लोग कोई और नुकसान करो। चलो जाओ, तुम्हारे निहार अंकल ने अगर देख लिया तो आप गुस्सा होंगे तुम दोनों से। जाओ जाओ जाओ। अगर निहार अंकल हमारे पापा होते तो बूढ़ी आंटी हमारी दादी होती। अगर ऐसा तो वो हमें सब बता देती ना। मम्मी से पूछते, मम्मी हमें कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ क्या खड़ी खड़ी खुसुर फुसुर कर रही हो? जाओ तुम लोग। 4 बार बताओ तब समझ में आता है। प्लीज बताओ, कौन है तुम्हारा पति? कौन है रूही जूही के पापा? सच क्या है, कहाँ है वो? प्लीज बताओ। तुम्हें आपको मेरी कसम है आज। अब आप एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, ना ही मेरे पति के बारे में, ना ही रूही जूही के पिता के बारे में। अगर आपने एक भी सवाल किया तो मैं इस वक्त ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर चाहे मैं जेल में जाऊं, मुझे पुलिस पकड़े या नकली पति परेशान करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आपने एक भी सवाल किया निहार जी, तो वो पल इस घर में मेरा आखिरी पल होगा। ये तो आप दोनों ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब मम्मी पूरी रात आपकी ये नन्ही नन्ही हाथों से मसाज लेती रहेंगी। तो हम रात भर हेड मसाज करेंगे। रूही, जूही। आई एम सॉरी, मैंने नकली पापा को इस घर में ला करके आप दोनों को प्रॉब्लम में डाल दिया। इसीलिए तो कहते हैं ना मम्मी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से हमेशा गड़बड़ होती है। खाटूजी ने आपको पनिशमेंट दे दी और आपको लेसन मिल गया। हाँ, आई एम सॉरी। मम्मी, शादी तो अंकल और आंटी की होती है ना? हाँ। मम्मी, बच्चे शादी के बाद होते हैं ना? हाँ, पर आप दोनों अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मम्मी बताओ ना, जब बच्चे होते हैं तभी मम्मी पापा बनते हैं ना? मतलब आपकी जिससे शादी हुई वही हमारे पापा हो गए ना? हाँ, लेकिन आज ऐसे अचानक आप लोग ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? बात क्या है रूही? फिर आपकी शादी किससे हुई थी? हमारे पापा कौन है? आपने आज तक उनका नाम ही नहीं बताया, वो तो बता दो। बेटा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आप दोनों से झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है आपको आपके पापा का नाम बताने का। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपके पापा कौन है। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। चलो, बहुत रात हो गई है, अब हम सो जाते हैं। आपको मेरी कसम है, आज अब आप एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, ना ही मेरे पति के बारे में, ना ही रूही जुही के पिता के बारे में। अगर आपने एक भी सवाल किया तो मैं इस वक्त ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या छुपा रही हो तुम रुचिता? क्यों नहीं बता देती अपने पति के बारे में? क्यों मुझे सवाल करने से रोक रही हो? क्यों मुझे अपनी कसम दी तुमने? क्यों? चाहती हो कि मैं तुमसे कोई सवाल ना करूं तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। अब मैं सच खुद जान कर रहूंगा। जूही जूही, आप दोनों लेटो, मम्मी पानी लेकर आती है। ठीक है मम्मी, कुछ नहीं बताना चाहती तो हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। यार अंकल हमारे पापा है कि नहीं उसका पता हम खुद लगाएंगे। हाँ। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।